हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वी बैक। और गाइस, आज की इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा और आप सोच रहे होंगे ये कौन सा टॉपिक है, आज पोकेमोन गो से रिलेटेड मैं क्या बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं कहूँ तो ये वीडियो बहुत बहुत हटके है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ इस वीडियो में मेहनत भी लगी है, प्लस मैं कहूँ तो आपसे कुछ बातें भी ऐसी शेयर की हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आप इंडिया से हैं तो प्लीज़ शेयर करना, या फिर अदर कंट्री को लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आप मेरी बात से पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट देना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन मैं इस वीडियो में क्या आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो इतने दिनों से फ्रेंड्स बहुत हर्ट हूँ। पर्सनली मैं हमेशा ऐसा सोचता भी रहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है पोकेमोन गो में, अदर कंट्री और इंडिया में क्या होता है, वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में फ्रेंड्स। तो उसी बात को लेकर थोड़ा हर्ट होता हूँ मैं कभी कभी, तो आज आपसे वो बात शेयर करनी है मुझे फ्रेंड्स। अभी मैं आपसे एक जस्ट बात पूछूँ, अगर आप अभी स्पूफ कर पाते हो और मैं अभी आपको स्पूफ करने के लिए बोलूं तो आपके दिमाग में कौन से प्लेसेस आएंगे? आप सोचेंगे कि मैं सिडनी में स्पूफ करूंगा जाके, आप सोचेंगे मैं पियर 39 में जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, ब्राज़ील जाऊंगा, या फिर मैं कहूं तो और भी अदर कंट्रीज़ में। लेकिन आपने कभी इंडिया में स्पूफ किया है? आप कभी इंडिया में किसी गार्डन में स्पूफ किया जाके, या फिर मैं कहूं तो और भी अदर प्लेसेस हैं इंडिया में, आपको पता है कि ताजमहल भी है, तो क्या आप कभी ताजमहल में स्पूफ करने गए हैं? आंसर 99% लोगों का होगा नहीं। क्या है आपके जवाब, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। लेकिन इस टॉपिक को बहुत मैंने दिल से बनाया आप सभी के लिए फ्रेंड्स। तो बात करता हूं कि ऐसी क्या बात है जो मुझे हर्ट करती है। आई थिंक आपको भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी थोड़ा जस्टिफाई करेंगे मेरी बातों से फ्रेंड्स। अभी मैं जस्ट शो कर रहा हूं आपको एक लोकेशन ताजमहल की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी पॉकी स्टॉप्स नहीं है। ताजमहल 7 वंडर में से एक है, बहुत फेमस प्लेस है, लेकिन फिर भी पॉकी स्टॉप के नाम पर यहाँ पे कुछ ही पॉकी स्टॉप्स हैं। जस्ट मैंने अब स्पूफ किया है फ्रेंड्स स्टेचू ऑफ लिबर्टी। फ्रेंड्स स्टेचू ऑफ लिबर्टी इट मीन्स मैंने यूएसए में स्पूफ किया है, और आप देख सकते हैं ताजमहल से इतनी भी फेमस प्लेस नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कम फेमस होगी ताजमहल से, क्योंकि ताजमहल में जितने विजिटर्स आते हैं जितनी फेमस है उतना तो ये प्लेस तो अकॉर्डिंग मी इतना फेमस नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पॉकी स्टॉप और जिम्स की काउंटिंग, रेड बैटल्स आ रही हैं, जिम्स हैं, और आपने वहाँ देखा होगा इंडिया में बहुत बहुत रेयर पोकेमॉन्स, यानी रेयर ही होते हैं इंडिया में। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको मैं अभी जस्ट शो कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है विक्टोरिया मेमोरियल। फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोग जानते होंगे विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, मैं कहूँ तो पर्सनली कोलकाता में बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पॉकी स्टॉप और जिम के नाम पर कुछ भी नहीं है, और पोकेमोन भी आप देख सकते हैं बहुत कम यहाँ पर स्पॉन हो रहे हैं। और जस्ट अब आप जो लोकेशन देख रहे हैं वो है सेंट्रल पार्क अमेरिका। इट मीन्स फ्रेंड न्यूयॉर्क में हूँ मैं अभी जस्ट, और आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्क में इतनी पॉकी स्टॉप्स हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर कोई स्पूफ भी जस्ट करेगा तो उसको कितनी चीज़ें दिखेंगी फ्रेंड्स, आप कंपेरिजन देख सकते हैं कितना एनी हर्ट भी होता है। पर्सनली मैं कहूँ मुझे और आपको कितना हर्ट होता है बताना जरूर फ्रेंड्स। जस्ट अब मैं शो कर रहा हूँ आपको जो लोकेशन, वो है फ्रेंड्स इंडिया गेट। दिल्ली की लोकेशन है फ्रेंड्स, इंडिया गेट है, हिस्टोरिकल प्लेस है, विजिटर्स इतने आते हैं, फिर भी यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है, ओनली कुछ पॉकी स्टॉप्स हैं और एक या दो जिम्स हैं, और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, विजिटर्स इतने हैं, इंडिया का इतना फेमस प्लेस है पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट जस्ट मैंने आपको अभी यहाँ जो शो किया है, आप में से बहुत से लोग यहाँ पर स्पूफ भी करा होगा, आपने नहीं किया हो तो बता दूं फ्रेंड्स ये है नेविया पियर है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं पॉकी मॉन्स का क्लोस्टर। हाँ, और फ्रेंड्स अभी जो भी लोकेशन है उन सब की मैंने आपको जस्ट मैंने लोकेशन बताई है, रियल मैंने आपको फोटो शेयर की है, कुछ इमेजेस शेयर की है। आप देख सकते हैं कुछ भी इतना फेमस नहीं है। इंडिया के मैं अगर कंपैरिजन करूँ, ताजमहल मैंने आपको शो किया, मैंने आपको जस्ट सिंपल सा इंडिया गेट के बारे में, वही विक्टोरिया मेमोरियल बताया, फिर भी कुछ भी कंपैरिजन करूँ तो पॉकी स्टॉप बहुत ही कम है। सो फ्रेंड्स अभी जो आप स्ट्रीट देख रहे होंगे, यानी आप देख सकते हैं एक लोकेशन में मैं स्पॉन करा है मैंने अभी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हाँ नॉर्मल स्ट्रीट है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पॉकी स्टॉप की जितनी भी मैं काउंटिंग करूँ इतनी पॉकी स्टॉप्स नहीं है मुंबई में। यहाँ पर मैं मुंबई में हूँ, इतनी फेमस प्लेस है, इतना फेमस मैं कहूँ तो सिटी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं स्ट्रीट है। जस्ट मैंने आपको ये कंपैरिजन इसलिए क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट मैं अभी आपको जो शो कर रहा हूँ वो है न्यूयॉर्क की स्ट्रीट। आपको जस्ट दिख रहा होगा कि यहाँ भी सेम स्ट्रीट्स हैं, यहाँ भी सिंपल सा मैं कहूँ तो
इधर उधर बिल्डिंग्स होंगी और कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल स्ट्रीट्स हैं, लेकिन आप पॉकी स्टॉप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हर स्ट्रीट पर एक से दो पॉकी स्टॉप तो मिनिमम है। स्ट्रीट में भी मैंने कंपेरिजन करके बताया आपको, मैंने सिंपल सा एक गार्डन्स में भी कंपेरिजन किया है, कुछ भी नहीं है इंडिया और मैं अगर अदर कंट्री का मैं अगर कंपैरिजन करूं, मैंने तो यहाँ पर सिंपल सा यूएसए को ही लिया, मैंने अमेरिका को ही लिया। मैं अभी आपको एक शेयर कर रहा हूँ इमेजेस, आप देख सकते हैं पॉकी मॉन्स और पॉकी स्टॉप का कितना बड़ा क्लस्टर है। टर्की में आपने कभी स्पूफ किया होगा तो वहाँ कितना ज़्यादा मैं कहूँ तो वहाँ फ्रेंड्स अगर आप स्पूफ करेंगे तो वहाँ कोई प्लेयर्स नहीं आते हैं, ना रेड बेटल्स में आते हैं और ना ही कोई वहाँ पर ल्यूरा मॉडल्स ऑन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कितनी सारे पॉकी स्टॉप्स दे रखी हैं पोकेमोन गो में। हाँ मैं मानता हूँ कि पोकेमोन गो में आपको एक चीज़ भी मैं बता दूँ, शेयर कर दूँ आज आप सभी से कि पोकेमोन गो में भी कुछ स्पॉन्सर आते हैं, कुछ स्पॉन्सर करती हैं कंपनीज पोकेमोन गो को। तो अदर कंट्रीज में आपने देखा होगा कभी मैकडोनल्ड लिखा होता है किसी किसी पॉकी स्टॉप में या फिर अदर अदर चीज़ों का, तो वो सिंपल सी एक स्पॉन्सर्स होती हैं। लेकिन इंडिया में बता दूँ फ्रेंड्स, जियो ने स्पॉन्सर कर रखा है पोकेमोन गो को, इस वजह से थोड़ी और पॉकी स्टॉप्स कम हो जाती हैं, लेकिन आप सिंपल सा कंपेरिजन दे सकते हैं। और नियंटिक का मैं कहूँ तो एक आप देख सकते हैं कि एक बुरी चीज़ कहूँ या फिर जो पर्सनली मुझे गलत लगती है फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा अगर और भी कुछ लोकेशंस हो जो मुझसे मिस हुई हो, हाँ मुझसे मिस हुई होंगी क्योंकि सब चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट में बताना ऐसी भी लोकेशंस जो अदर कंट्री में बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत पॉकी स्टॉप्स हैं और इंडिया में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। एक और बात बोलनी थी, हाँ मैं मानता हूँ कि अदर कंट्री में पोकेमोन गो के बहुत प्लेयर्स हैं, यानी मैं कहूँ तो वहाँ पर कम्युनिटी डेज या फिर कहूँ तो सफारी जोन्स, मैं कहूँ तो बहुत से इवेंट होते हैं वहाँ पर पोकेमोन के जो लवर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, इंडिया में कम है। लेकिन आप सिंपल सा एक ये कर सकते हैं, भेदभाव कर रहा है नियंटिक और अदर कंट्री के बीच में, क्योंकि प्लेयर्स कम हैं लेकिन फिर भी कुछ तो प्लेयर्स हैं या फिर कहूँ तो एक ठीक ठाक तादाद में प्लेयर्स हैं, काउंटिंग करूँ तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ पर इंडिया में भी, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करते हैं तो बहुत कहें तो पर्सनली इंडिया के अगर आप हैं तो आपको भी बहुत दुख होता होगा, बहुत सैडनेस होती होगी फ्रेंड्स। तो यही कुछ एक बात थी मुझे जो आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। हाँ मानता हूँ ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, आपसे बात करनी थी कुछ पर्सनली मुझे, तो मैंने आपसे ये वीडियो बनाई, आई होप मुझसे आप अंडरस्टैंड हुए होंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप मेरी पूरी बातों से अंडरस्टैंड हो, अगर आप भी मेरी बात से जस्टिफाई रखते हैं तो प्लीज़ #VBack करके प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो पर। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं मोर और भी लोगों के साथ, प्लीज़ इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि और भी लोगों को ये पता चले कि हाँ बहुत बड़ा कंपैरिजन है, बहुत बड़ा गैप है अदर कंट्री और इंडिया के बीच में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ थोड़ी सैडनेस एंडिंग है इस वीडियो की, लेकिन हाँ ज़रूर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग होगी आप सभी के लिए। सो फ्रेंड्स गुड बाय।